हाँ उल्लू टीवी से बोल रहे हैं अनुराग जी। अरे राजीव जी, जय जी, श्री राम प्रभु, जय श्री राम भैया। कैसे हैं आप? एकदम ठीक। अच्छा, आपके वीडियोस देखते हैं बड़ा, हम तो आपसे बड़ा प्रभावित है। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। हाँ, और आपकी जो वीडियो आप भेजते हैं वो बहुत बड़ा ही अच्छा आप कार्य कर रहे हैं। वास्तव में अगर पत्रकारिता का जो मतलब एक प्रकार से ये कहे कि निरपेक्ष होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भैया ये कुछ भी नहीं है, अभी तो कुछ नहीं है। मैं अगर जिंदा रहा तो एक दो साल में देखिएगा, मैं इस धरती पर कुछ नया करने जा रहा हूँ, चमत्कार एकदम। अच्छा, नहीं एक्चुअली है क्या कि मेरा एक भाई है, चाचा जी का लड़का ही है, जी वो दिल्ली में जी टीवी में है। अच्छा, तो हाँ, तो उनको मैंने आपके वीडियोस जो दिखाए थे तो उनको भी बड़ा अच्छा लगा था। जी तो हमने कहा तो भैया ये फेसबुक पे हमने कहा इनको लाइक करिएगा और देखिएगा क्या क्या चीजें हैं, तो बड़े वो भी आपसे बड़ा प्रभावित थे। नहीं सर, जान गए लोग, देखते हैं क्या करते हैं लोग। असल बात इतने मुर्दे लोग हैं कि मोबाइल की ताकत को नहीं समझ रहे हैं, और एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट और एक रुपया देने में लोगों को शर्म आती है। नहीं भाई, हम तो आपसे बड़ा प्रभावित है बहुत ज्यादा, मतलब आप समझ नहीं सकते। आपका फोन आना मेरे लिए बड़े मतलब अब हम आप मेरे पास शब्द नहीं है, और मैं तो यहाँ पे वृंदावन में ठाकुर जी से बस यही मनाता हूँ कि कैसे भी करके आप जिस मतलब उसमें अभियान में लगे हुए हैं वो बस आपका बस सपना जरूर पूरा हो। बस दुआ करिए कि हम जिंदा रहें, जिंदा रहेंगे तो इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ जो मेरे सपने को रोक पाएगा। नहीं देखिए, वो तो एक चीज ये है कि वो एक चौपाई बाबा तुलसीदास जी ने भी लिखी है कि हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधि हाथ, ये तो विदादा के हाथ में है। इस धरती पे कोई किसी को नहीं मार सकता, ना कोई किसी के मारने से मरता है और ना कोई किसी को मार सकता है, ये तो विदादा के हाथ में है, ठाकुर जी के हाथ में है। लेकिन आपने जो अभियान पकड़ा है वो मतलब ये है कि लोगों का मतलब देखो, ठाकुर जी ने जिस समय, अगर आपने जैसे रामायण, तो खैर एक आप रामायण में एक पात्र थे श्री जटायु जी महाराज, तो जटायु जी को की जो सदगति हुई वो राम जी ने अपने हाथों में की, केवल किस लिए कि भगवान राम ने उन्हीं से कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और परहित में आप इतना लगे हुए हैं कि वो तो राम जी खुद देख रहे होंगे। सही बात। और जिस पर और जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करी सब कोई, तो ये तो है ही है कि आपके ऊपर कृपा तो ठाकुर जी की है और आप इतना सबका भला कर रहे हैं, तो ये मानिए कि आपका बहुत 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 अच्छा है और आपको बहुत बहुत साधुवाद भी है हमारी तरफ से। धन्यवाद। कहाँ रहते हैं आप? मैं वृंदावन में रहता हूँ। अच्छा, क्या करते हैं वहाँ पे? मैं कथा करता हूँ, मैं भागवत करता हूँ, श्रीमद भागवत की कथा मैं करता हूँ। अरे वाह, राम कथा करता हूँ। हमको लगता है कि वृंदावन से दो तीन लोग व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा, और मैं आने ही वाला हूँ सर, अब तो निकलने वाला हूँ, आप लोगों से आशीर्वाद लेने आ रहा हूँ बहुत जल्दी। अरे नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आप मिलिएगा आके, और आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा वहीं पे आश्रम है गुरु जी का। अच्छा अच्छा। अब गुरु जी का तो गोलोकवास हो गया, तो आश्रम अपने ही उसमें है, तो वहाँ पे देख रेख और वहाँ की सेवा और प्लस कथा वगैरह सारी चीजें चलती रहती है। वहाँ के बॉस आप ही हैं? ऐसा है ना कि हम लोग 5-6 लोग गुरु भाई हैं। अच्छा अच्छा। तो गुरु जी एक ट्रस्ट बना के गए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसमें जो हमारे पिताजी हैं उसमें उनको सचिव बना के गए और हम लोगों को सबको सदस्य बना के गए, जितने भी उनके शिष्य हैं 11 लोग। जी जी। तो हम सब लोग एक दूसरे को मतलब सभी लोग सब साथ में चल के वो आश्रम को चला रहे हैं। बहुत अच्छा सर, विद्वत तरीके से। क्योंकि रितंबरा जी का भी आश्रम देखने का बहुत मन करता है, वो भी। अच्छा था, हाँ रितंबरा जी की वहीं पे वृंदावन से जैसे ही आप चलेंगे ना मथुरा के लिए, तो वृंदावन से हम 3 किलोमीटर मथुरा के लिए चलते हैं, तो वहीं पड़ता है उनका वात्सल्य ग्राम। चलिए सर, हो सकता है तो 3 महीने मुलाकात होगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तब तक अपने दोस्त मित्रों को वीडियो भेजते रहिए सर, बहुत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो अपने फेसबुक पेज पे आपके बहुत सारे मतलब वीडियोस में शेयर भी करता हूँ। बस थोड़ा सा क्या होता है कि जिसमें गालियाँ ज्यादा होती है वो केवल सुन के हम ही आनंद ले लेते हैं। सर सुनिए, मैं आशा करूंगा कि आप लोग मेरी गालियों पर कथा में चर्चा जरूर करें। नहीं नहीं बिल्कुल, वो बात ऐसा है ना, देखिए कहते हैं कि जो वैद्य जो होता है, वैद्य जब दवाई देता है तो दवाई का स्वाद यद्यपि कड़वा होता है, लेकिन उसकी जो जिज्ञासा मतलब उसकी जो अंदर की भावना होती है वो उसको ये नहीं लगता है कि वो कड़वा दे रहा है, वो ये लगता है कि कैसे भी आपके रोग की निवृत्ति हो जाए। एकदम भैया, इस प्रकार से हम अपनी कथा में कभी कभी हम देते हैं उदाहरण कि एक बालक को, जब कोई छोटा सा बालक हो यदि आप उसको मारते हैं या उसको डांटते हैं, तो उसकी माँ सिंगनी बनके अपने बालक की रक्षा करती है, लेकिन वही बालक जब बीमार हो जाता तो वही बालक लेके जाती है एक डॉक्टर के पास अपने बालक को, और वो डॉक्टर उस माँ के आंखों के सामने इंजेक्शन लगाता है उसको। बहुत दर्द होता है पर फिर भी वो माँ सह लेती है, क्योंकि वो जानती है कि ये जो डॉक्टर सुई लगा रहा है उससे मेरे बालक
को मतलब जो है तंदुरुस्ती मिलेगी, हमारे बालक की बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो ये आपकी गालियां जो है ना वो एक इंजेक्शन का काम करती है, इससे क्या है लोगों में जागरूकता आती है, जोश आता है। तो अब ये हम सुनते हैं तो हमको बड़ा आनंद आता है सुन के। चलिए सर, ये गाली बहुत कमाल करने वाली है, आई नो द पावर ऑफ गाली। बात तो एकदम आपकी बिल्कुल सही है, पावरफुल तो है सर, 100 times बेटर देन गोली। जी जी। वही चीज है ना कि आदमी वही कहता है ना, जो आदमी शब्द के बाणों से ना मरा वो गोली से नहीं मर सकता है। सही बात, सही बात। गोली तो शरीर को मार सकती है लेकिन शब्द के जो व्यंग बाण होते हैं ये सीधा सीधा आत्मा के ऊपर मतलब झकझोर देते हैं, आत्मा को अंदर से ये जगाते हैं इंसान को। जी चलिए सर, हाँ ठीक ठीक बिल्कुल बिल्कुल। और आपके जो दिल्ली वाले वीडियो हैं वो हमको बहुत अच्छे लगे हैं। अरे अभी बहुत कुछ बात, ये कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा करके दिखाएंगे आप लोग, आशीर्वाद दीजिए। जी जी बिल्कुल जी, राधे श्याम भैया, जय श्री राम, जय श्री।